हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म सो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर फुल एंड टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर लिया है आज हम लगभग 25 क्वेश्चंस को यहां पर आगे सॉल्व करते रहेंगे ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है आपके एक क्वेश्चन में आप लगभग मान के चलेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आज मैंने इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है उस क्वेश्चन का नाम है एयर मास अब ये जो एयर मास होता है वो क्या है तो कितने प्रकार के एयर मास होते हैं एयर मास में अपने कॉन्टिनेंटल एयर मास भी हैं ट्रॉपिकल एयर मास भी होते हैं सो तो कई सारे प्रकार के एयर मास हैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन है वो है क्वालिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं और इसी के साथ एक आता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो इन दोनों का क्या रिलेशन होता है फिर एक आता है अपना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो ये इकोनॉमी के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं इकोनॉमी के साथ आपको यहाँ पर एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन है एनवायरमेंट के क्वेश्चन है साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी सभी कुछ के आपको यहाँ पर क्या है कलेक्शन है क्वेश्चन का सो आई रिक्वेस्ट एवरी कि आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर आप लोगों को वन बाय वन इन क्वेश्चन को समझना है अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार समझ लेंगे अच्छे से देख लेंगे ना तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स यहीं पर क्लियर होते जाएंगे सो गुड इवनिंग सत्तार गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोग आ जाइए ओके सो वी विल बिगिन द क्लास और ये जो क्लास रहती है ये आपकी एक घंटे की क्लास है रात को नौ बजे आपकी क्लास है रात को नौ बजे जो क्लास रहेगी उस क्लास में भी हम फुल एंड टेस्ट सीरीज ही सॉल्व करेंगे ये मंथ आपको जितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वो क्वेश्चंस को आपको क्या है यहां पर सॉल्व करना है और सभी से मेरी क्या रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर मैं एक वीकेंड से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ क्वेश्चन गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है मगर आप लोगों को उन क्वेश्चन को इंप्रोवाइज करना है जिससे कि आप दोबारा उन क्वेश्चन को गलत मत करना ठीक है यही अपना क्या है यहाँ पर लक्ष्य होना चाहिए मतलब एक एम है अब एम क्या है कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट right के पांच क्वेश्चन गलत हो गए अब दोबारा अगर मैंने एक महीने बाद फंडामेंटल राइट right को सॉल्व किया तो फिर वो सही होना चाहिए फिर मेरे क्या है कभी भी वो फंडामेंटल राइट right के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दिस शुड बी योर स्ट्रटेजी तो ये स्ट्रेटजी के साथ हमें क्या है यहाँ पर तैयारी करना है तो हम क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले आई वाइक इंट्रोड्यूस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म अन अकेडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए सौ से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं मेरा नाम तारकेश्वर जैन है मैं आपके लिए पी और करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ और साथ में आपकी अभी एम सीरीज चल रही है सभी कुछ यहाँ पर आपके टॉपिक यहाँ पर कवर होते हैं दिस इज माई अचीवमेंट दिस इज माई क्वालिफिकेशन और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं डाउट क्यूरीज सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ भी होगा आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं अडमी में अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो एक साल का अभी जीएस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो फोर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज है दो साल का कॉम्बो है सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज जिसमें आप लगभग देखिए चालीस हजार रुपए की यहाँ पर आपकी सेविंग हो रही है दो साल के कॉम्बो में और जो भी बच्चे ट्वेल्थ के बाद तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यहां पर फिफ्टी का ऑफ है अगर आप तीन साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मतलब क्या हुआ कि आपके पचास का ऑप्शनल है और आपके जीएस की प्राइस है नाइन्टी मतलब आपका यह हो गया एक और यही प्लान आपके लिए पड़ जाता है एट्टी में जब इसमें आप कोड अप्लाई करते हैं टी एल आई वी ये जो ऑफर है ये ऑफर 15 सितंबर तक ऑफर रहेगा और इसके बाद ये ऑफर एंड होने वाला है तो सभी लोग इसको जो भी लेना चाहते हैं इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं प्लस एंड आइकॉनिक दो प्लान होते हैं अन अकेडमी में आप लोगों को सभी को पता है प्लस प्लान का मतलब क्या हुआ प्लस प्लान का मतलब है कि आपकी हर दिन लाइव क्लासेस रहती हैं हर हफ्ते उन क्लासेस को जिसको लिया है उसके टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके लिए आप उन क्लासेस को अनलिमिटेड मतलब आप कितनी बार भी देख सकते हैं और स्ट्रक्चर कोर्स आपके लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक में क्या होगा आपको तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलते हैं पूरा आपके टेस्ट जो आप देते हैं उसका एनालिसिस आपके लिए मिलता है एक्सपर्ट की गाइडलाइंस होती हैं और वो गाइडलाइंस के साथ साथ अगर आपके जीएस में आपके ऑप्शन में या फिर आपके वी कैन से प्री में कहीं पर भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसका इंप्रोवाइजेशन आपको एक पर्सनल मेंटोर जो होंगे वो हेल्प करेंगे साथ ही अगर मैं बात करूंगा एक साल जीएस के प्लान की फीस वो है चवालीस रुपए और इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा अकेले आप एक साल ऑप्शन लेना चाहेंगे तो वो आपको पड़ता है चौबीस रुपए कंबाइन अभी जीएस प्लस ऑप्शनल एक साल की जो फीस है वो है फोर्टी नाइन थाउजेंड अलग अलग लेने जाएंगे तो वो आपको सिक्सटी एट थाउजेंड के पड़ेंगे साथ में लेने जाएंगे तो वो आपको कम अमाउंट का यहां पर मिल जाते हैं नाउ सो so ये तो रहा अपना क्या अन के बारे में इंट्रोडक्शन अब हम यहां पर आज पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आज ये क्वेश्चन क्या है तो ये क्वेश्चन है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर और मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तीन क्लासेस ली थी पॉलिटी में तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब ये रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन है तो जब रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन रहता है आप लोगों के सामने तो वो क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन गलत गलत हो गया तो फिर ब्लेंडर है।, है ना तो यहां पर इसी क्वेश्चन को सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आप लोग आंसर दीजिए ओके गुड इवनिंग हिमांशी गुड इवनिंग कल्पना गुड इवनिंग दीपांकर गुड इवनिंग गरिमा गुड इवनिंग सतार सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहेंगे वीडियोस के लिए देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि नो नेटिव ऑफ इंडिया नॉर एनी नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट ऑफ इस मेजेस्टी शुड बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन ऑफ रिलीजियन बर्थ डेसेंट और कलर क्या हुआ इसका मतलब कि ये एक कोटेशन था यह कोटेशन किस एक्ट के में बोला गया था देखो अगर आप लोगों को एक-एक एक्ट की बारी क्या पता है तो आप आंसर इस इसका दे सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय कोई भी भारतीय कोई भी नेचुरल बॉर्न इंडियन सब्जेक्ट टू द मैजेस्टी मतलब अगर मजेस्ट्री परमिशन देता है तो उसको किसी भी तरीके की पोस्ट पे लगा सकते हैं वो किसी भी तरीके की पोस्ट को होल्ड कर सकता है और उसको उसके बर्थ के हिसाब से डिसेंट के हिसाब से कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ये आपसे यहाँ पर पूछा है अब देखो इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे हम 1853 के एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था हमें पता है कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल कर रही थी और 18 थर्टीन तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल अच्छे से किया फिर ट्रेड विद चाइना ट्रेड विद टी वो सारे एपिसोड रह गए सारे के सारे क्या हो गए वो ट्रांसफर हो गए किसके पास क्राउन के पास अब इसमें एटीन थर्टीन आपके पास क्या है ऑप्शन में नहीं आता ऑप्शन में आता है एट्टीन थर्टी थ्री जब पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो कहाँ हो गया क्राउन के हाथ में अब इसमें क्या है सब्जेक्ट टू द मैजिस्ट्री भी लिखा हुआ है तो जब सब्जेक्ट टू द मैजिस्ट्री लिखा है तो यहाँ पर एटीन थर्टी थ्री जो एक्ट है वो ज्यादा मुनासिब होगा तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा एटीन का एक्ट इस तरीके से पढ़ना है आप लोग ध्यान रखेंगे अब 1833 के एक्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें बात क्या था कि विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1833 में 1833 में पहले लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे जो कि हमारे टीबी मैकॉले थे तीसरा इसमें क्या था कि जितने भी पब्लिक सर्विसेज थे उसमें इंडियंस की एंट्री को मिलना यहां पर शुरू हो चुका था ठीक है एक बड़े पैमाने पे नहीं मगर उसकी शुरुआत हो गई थी कि जो भी ऊपर के पद है उसमें धीरे धीरे इंडियंस का जाना शुरू कर दिया था इन्होंने चौथा इसमें खासियत क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल एजेंसी थी अब वो फुली तरीके से क्या है बंद हो चुकी थी तो चार मेजर बड़े काम एटीन एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं ये बात सभी को समझ में आया कि ये मैंने आपको जो समझाया है ओके गेटिंग दिस पॉइंट थर्टी थ्री एटीन थर्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से खत्म हो गया विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए लॉ मेंबर टीबी बी पहली बार एस्टेब्लिश किया गया और पब्लिक सर्विसेज में इंडियंस की एंट्री यहां पर मिल गई और जब इसमें बोला गया पब्लिक सर्विसेज में इंडियंस की एंट्री मिली मतलब कि ये वाला जो मुहावरा है वो आपका सत्य हो जाएगा गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है जल्दी जल्दी आंसर करिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी ठीक है चलो अब फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन नंबर पे आएंगे हम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पब्लिक लिस्टिंग ऑफ कंपनी अब देखो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि भाई ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और मुझे इकोनॉमी आती नहीं है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता है तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आप लोग वहां पर समझ लेना ठीक है क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पब्लिक लिस्टिंग ऑफ कंपनी अभी हमें रिसेंटली पता है कि जोमैटो जोमैटो ने क्या किया अपना एक आई रेस किया आप सभी को पता होगा अगर आप लोगों ने मीम्स भी देखे होंगे तो उन मीम्स में भी दिखाई देता है कि जोमेटो ने अभी आई को रेस किया और ये क्या है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो हमारे देश में जो भी शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है वो सब हैंडल करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है सेबी सेबी जो है वो क्या करती है ऐसे जोमैटो जैसी कंपनी के लिए अलाउ करती है कि आप अपने आईपीओ को रेस कर सकते हैं तो पब्लिक लिस्टिंग ऑफ कंपनीज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपनी के लिए पब्लिकली लिस्ट कर देना अब उसमें सरकार का मतलब लोगों का पैसा लगेगा उस कंपनी में अब उस कंपनी में केवल फंडिंग वाला पैसा नहीं रह जाएगा जोमेटो जब तक उसमें सेबी ने इंजल नहीं किया था और जोमेटो जब तक हमारे मार्केट में नहीं आया था उसके पहले उसमें फंडिंग क्या था प्राइवेट फंडिंग थी मतलब जापान चाइना जैसी को कंपनियां हैं वहां की फंडिंग यहां पर होती थी इसके बाद क्या हुआ जब आईपीओ रेस किया गया तो फंडिंग हो गई क्या चेंज मतलब अब पब्लिक फंडिंग यहां पर होने लगा तो पब्लिक फंडिंग को लेकर यह क्वेश्चन पूछा है और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि इन आईपीओ ए लिस्टेड कंपनी मेक्स ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर मतलब आईपीओ के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनीज रहती हैं अब लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज का अंतर क्या होगा तो देखिए लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जिनकी हम ट्रेडिंग करते हैं डेली जैसे कि रिलायंस हो गया जैसे कि आईआरसीटीसी हो गया जैसे कि अपना बात करेंगे ओ की बात करते हैं या फिर कोई भी बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो जो भी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है अब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थोड़ी ना आएगा जो कंपनी अनलिस्टेड होती है उनका आईपीओ आता है मैंने आपको क्या बोला कि जो भी कंपनी अनलिस्टेड होती है उसका आईपीओ आता है जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उसका आईपीओ नहीं आता ये मेजर डिफरेंस है और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आईपीओ के अंदर लिस्टेड कंपनी अपने फ्रेश इशू ऑफ शेयर करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट है यहां पर कि सेबी कंसल्टेशन करता है इशूअर फिक्सेस के साथ मतलब कि जो भी इशूअर है मतलब जैसे जोमेटो है तो जोमेटो के साथ मिलकर सेबी क्या करेगा प्राइसेस को फिक्स करेगा कि उसे कितने रुपए का अपना शेयर इशू करवाना है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि से भी, कभी भी इंडल्ज नहीं करता है कि आपको कितने रुपए का शेयर इशू करना है है ये हमेशा डिसाइड कैसे होता है? तो ये डिसाइड होता है कि जो कंपनी है जैसे कि इन केस ऑफ जोमेटो तो जोमेटो एक कंपनी है तो जोमेटो जो भी उसका मर्चेंट बैंक होगा मतलब जिसने उसको लोन दिया होगा उसके साथ मिलके अपने प्राइस का इशू यहां पर शेयर करती है इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा गेटिंग दिस पॉइंट अब इसमें हम थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि कि जो जो होते हैं इशू मतलब कि जो इशू मतलब कंपनी करती है अपने शेयर वो दो पार्ट में होती हैं एक होते हैं पब्लिक इशू और एक होते हैं राइट्स इशू तो जो पब्लिक इशूज होते हैं वो क्या होते हैं कि जब कोई भी इशू या ऑफर ऑफ उफ शेयर होता है या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती है और वो नया इन्वेस्टर करेगा मतलब कोई जैसे जोमेटो इज द एग्जाम्पल नया इन्वेस्टर अगर उसे करना है तो वो कहलाता है पब्लिक इशू एंड पब्लिक इश्यूज जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एक होता है आईपीओ जो जोमेटो ने इशू किया और एक होता है एफपीओ एफपीओ जो इशू होता है वो एफपीओ इशू करती है लिस्टेड कंपनी ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको यहां पर हाईलाइट करना है क्या बोला मैंने आपको कि जो एफपीओ होते हैं मतलब फर्दर पब्लिक ऑफरिंग तो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग इशू करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं लिस्टेड कंपनीज और आईपीओ को इशू करने वाली जो कंपनी होती है वो होती हैं अनलिस्टेड कंपनीज ये मेजर डिफरेंस है मतलब कि आज हमें पता है कि रिलायंस के शेयर मार्केट में होते हैं अब अगर रिलायंस को अपने शेयर बढ़ाने हैं तो वो क्या करेगा वो आईपीओ इशू नहीं करेगा वो एफ पी करेगा मगर जोमैटो जैसी नई कंपनी को अगर इशू करना है या पेटीएम को अपने शेयर इशू करने हैं तो वो अभी तक क्या है शेयर मार्केट में नहीं है तो इसलिए वो आईपीओ इशू करेंगे ये बात क्लियर हो गया अब इसमें हम बात करेंगे आईपीओ तो अनलिस्टेड हो गया फिर दिस पेव द वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इश्यूअर्स शेयर और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एफपीओ की बात करेंगे तो एफपीओ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज होती हैं और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या बोला है कि सेबी के साथ मिलकर शुअर फिक्स करता है तो वो नहीं करता इंडियन प्राइमरी मार्केट 1992 से सेबी के अंडर आता है एंड सेबी डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्राइस फिक्सेशन ईशर कंसल्ट करता है अपने मर्चेंट बैंक के साथ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड वो डिसाइड करते हैं अपने प्राइसेस के लिए गेटिंग दिस पॉइंट इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका नाइदर वन नॉर टू ये बहुत हॉट टॉपिक है और यह सारे हॉट टॉपिक्स को ही यहां से इकोनॉमी बनती है इकोनॉमी नए टॉपिक से बनती है इकोनॉमी पुराने टॉपिक से नहीं बनती गेटिंग दिस पॉइंट एवरी वन हिमांशी ने पूछा है कि वाई डू मोस्ट आई पी ओ फेल्स तो देखिए मोस्ट आई पी ओ फेल नहीं होते हैं यह तो गलत होगा कहना मोस्ट आईपीओ फेल नहीं होते हैं मगर आई पी ओ अगर कोई जैसे जोमेटो जैसी कंपनी लेकर आएगा और उसका फ्यूचर प्रोडिक्शन अच्छा नहीं रहेगा देन वो अंडर रेटेड कंपनीज मानी जाती हैं ठीक है मतलब देखो हमसे भी होशियार मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो कि फाइनेंसिस का अच्छा ज्ञान रखते हैं और कितना भी बेवकूफ़ बनाए कोई भी कंपनी वो पकड़ाई में आई जाती है है ना तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा इसलिए आपको ये चीज देखना होगा कि आई मोस्टली फेल नहीं होते आई उनके फेल होते हैं जिनका फ्यूचर प्रोटेक्शन नहीं होगा मतलब अगर उसकी नेम मजबूत नहीं होगी कंपनी की तो फिर वो आई फेल होने के चांसेस रहते हैं ठीक है सभी को क्लियर हो गया बताओ 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 चलो अब आएगा हमारा एक हिस्ट्री का क्वेश्चन तो ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है ये पूछ रहे हैं आपसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नाइनटींथ सेंचुरी में तो 19वीं सदी में जो हमारे यहाँ पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे उसको लेकर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अब पहले ऑप्शन में क्या देखना है पहले तो आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी दूसरा है एज ऑफ कंसेंट बिल तीसरा है यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ सती के एबोलिशन के लिए चौथा है यहाँ पर प्रार्थना समाज अब प्रार्थना समाज पता होना चाहिए एबोलिशन ऑफ सती इसमें धर्म सभा ने क्या बोला है वो पता होना चाहिए एज ऑफ कंसेंट बिल क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए और थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए तो यहां पर एक क्वेश्चन से आप कितना सारा रिवीजन कर रहे हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको बात समझ में आया मैंने क्या बोला कि आप लोग एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजों को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं ओके तो देखो पहले इसमें हम क्या बात करते हैं तो पहले हम इसमें बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी तो थियोसोफिकल सोसाइटी हमें पता है कि एनी बसेंट ने बाद में इसको ज्वाइन किया मगर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 के करीब बना दी गई थी और ये बनाई कहाँ थी ये बनाई गई थी न्यूयॉर्क में ठीक है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनाया था और बनाया किसने था तो एच पी ब्लेवल्स की और ओलकूट ने मिलकर इसको बनाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को और इसका जो वी कैन हेड क्वार्टर पहले न्यूयॉर्क था और फिर इसको अडियार में ट्रांसफर कर दिया तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में इतना जाना अब इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है कि इट रेप्यूडिएटेड द बिलीफ ऑफ री एंड कर्मा रेप्यूडियटेड का मतलब होता है रिजेक्ट मतलब इसमें कहा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कर्मा को रिजेक्ट कर दिया था तो क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कर्मा को रिजेक्ट किया था बिल्कुल नहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्मा पे बिलीव करती है कर्मा का मतलब क्या होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया रेप्यूडिएटेड का मतलब नहीं पता है तो लिख लो उसका मतलब होता है रिजेक्ट दूसरा ऑप्शन है यहां पर एज ऑफ कंसेंट बिल मतलब तिलक ने कैंपेन किया था कि वो पास करवाना चाहते थे एज ऑफ कंसेंट बिल जिसने रेस किया था एज लिमिट फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम टेन टू ट्वेल्व ईयर ये स्टेटमेंट भी होता है गलत एज ऑफ कंसेंट बिल जो है वो आया था कब 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल कब आया है 1891 में लेकर आए थे और एज ऑफ कंसेंट बिल में हुआ क्या था मतलब लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी क्योंकि बहरम जी मलाबरी को क्या नाम है इनका आप लोग याद रखिएगा ये थोड़ा सा बहरम जी मलाबरी इन्होंने एक बच्ची के लिए पाया गया था कि 11 साल की एक बच्ची थी उसने एक बुज़ुर्ग ने उसके शादी कर ली थी और जब उसकी शादी हुई बुजुर्ग मतलब 25-30 साल का लड़का होगा तो वो उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो लोग इंटरकोर्स कर रहे थे और वो बच्ची बहुत छोटी थी इस चीज़ को देखते हुए बहरम जी मलावरी ने कैंपेन चलाया और उस कैंपेन के बाद एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ एज ऑफ कंसेंट बिल को तिलक ने क्या किया था अपोज किया था इसलिए अपोज किया था कि तिलक का यह कहना है कि एज ऑफ कंसेंट बिल तो सही है मगर ब्रिटिशर्स इस बिल को लेकर आए हैं इसलिए मैं इस बिल का विरोध करूंगा और इस बिल में बात क्या हुई थी कि पहले एज थी अपने यहां पर शादी होने की दस साल उसको बढ़ाकर बारह साल ये लोग करना चाहते थे तो यह दूसरा स्टेटमेंट हो गया तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे वो है धर्म सभा तो धर्म सभा जो है यह भी एक बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी हम सभी को पता है कि धर्मसभा किसने बनाई हुई है तो धर्म सभा बनाया गया है राधाकांत देव के द्वारा ठीक है तो हु हैज एस्टैब्लिश दिस तो राधाकांत देव ने धर्मसभा को एस्टैब्लिश किया था और धर्म सभा में बात क्या हुआ था 1830s में इसको एस्टैब्लिश किया था और ये एक हाईली ऑर्थोडॉक्सियल सोसाइटी थी इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सियल थी कि इन्होंने सती के अगेंस्ट में कभी भी बात नहीं की इवन सती को इन्होंने फेवर भी किया 1830 में हमें पता है कि इसी टाइम राजा राम मोहन रॉय थे और उन्होंने 1828 में सती को एबॉलिश करने की बात की तो धर्म सभा जो कि राधाकांत देव के द्वारा बनाई गई थी उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने सती को भी जैसी चीज़ को भी नहीं बख्शा और उसको भी वो सपोर्ट करते थे क्लियर अब इसमें एक और चीज़ आपको क्या है ग्लिच है वो ग्लिच क्या है ये ग्लिच ये है कि धर्म सभा ने भले ही महिलाओं के लिए हित के लिए बात नहीं किया उनके धर्म के प्रति मगर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया मतलब महिलाओं को वेस्टर्न एजुकेशन मिलना चाहिए इस चीज में राधाकांत देव ने उनका सपोर्ट किया जब धर्म की बारी आई तो उन्होंने धर्म के ऊपर ऑर्थोडॉक्स हो गए तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी हो गया आपका गलत क्योंकि इसमें लिखा है कि दे एडवोकेटेड द दबोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सटी नो दे सपोर्टेड फिर आता है आपका लास्ट ऑप्शन जिसमें लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ प्रार्थना समाज प्रिसीडेड द एबोल्यूशन ऑफ आर्य समाज अब देखो प्रिसीडेड का मतलब क्या हुआ पहले है ना तो हमें पता है आर्य समाज कब आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेकर आए थे 1875 में प्रार्थना समाज जो है वो बना था कब तो प्रार्थना समाज बना था 1867 में और प्रार्थना समाज को बनाने वाले आदमी कौन थे वो थे आत्माराम पंडुरंग क्या नाम था उनका उनका नाम था आत्मा राम पंडुरंग. आत्मा राम पंडूरंग उनका नाम था तो एटीन में इसको एस्टेब्लिश किया गया समाज को 1875 में एस्टेब्लिश किया गया, सो इट सेब मतलब पहले कौन सा बना तो समाज बचा, तो इसलिए है, है क्लियर कर लो अभी इंपॉर्टेंट और आपके रिवीजन के हिसाब से ये क्वेश्चन ने काफी सारी चीजों को कवर कर दिया है यस वेरी गुड कल्पना आत्माराम पंडूटन केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज के एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था धर्म सभा की बात करेंगे तो धर्म समाज को या वे धर्म सभा को राधाकांत देव ने बनाया हुआ था ठीक है राधाकांत देव ने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ था और एज ऑफ कंसेंट बिल को तिलक ने क्या किया तो एज ऑफ कंसेंट बिल को तिलक ने अपोज किया था और उनके मलावारी थे मलावारी मतलब जी मलावारी उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को सपोर्ट किया था ठीक है गुड इवनिंग अल्पना नेटवर्क प्रॉब्लम है कल मेरा था आज आपका है चलिए कोई नहीं समझ गए ना आप लोग चलिए ये सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली अब आता है हमारा एक इकोनॉमी का क्वेश्चन ठीक है तो ये जो है क्वेश्चन ये है क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी को लेकर इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर अब ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते क्या हैं वो हमें यहां पर बताना है तो हु आर दिस क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं है कि वो जी सेक में और ट्रेजरी बिल में इंश्रू या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन है कि जो टोटल शेयर होल्डिंग होती है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर की वो पाँच परसेंट से ज़्यादा एक्सीट नहीं कर सकती है जितना उनका कैपिटल है उसका ऑफ एनी कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई भी कंपनी अगर उसकी सौ रुपये बिल्कुल मार्केट वैल्यू है तो उसमें केवल पाँच परसेंट होना चाहिए अब ये क्यू है क्या वो हमें यहां पर जानना जरूरी होता है तो देखिए क्यू एफ आई क्या है तो ये एक सब कैटेगरी ऑफ फॉरन पोलियो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है मतलब हमारे देश में आपको पता है ना एक होता है एफ डी आई और एक होता है एफ पी आई एफ डी आई का मतलब क्या होता है जब कोई एक देश की कंपनी हमारे देश में आके निवेश करेगी जैसे कि टेस्ला तो जब टेस्ला हमारे देश में आएगी तो वो एफ डी आई कहलाएगी क्योंकि वो एक रेवेन्यू जनरेट करेगा सरकार को टैक्स देगा सरकार की वहां पर लोगों को रोजगार देगा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा ये एफ की खासियत है एफ की बात जब हम करते हैं तो एफ में एक डीमेरिट ये होता है कि केवल वो पैसा लेकर आता है हमारे मार्केट में और वो कुछ भी चीज़ नहीं लेकर आते मतलब वो हमारे यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं करेंगे तो एग्री डेवलपमेंट नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर रोजगार नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी केवल पैसा आके वो लोग लगा देंगे कहाँ पर मार्केट में तो ये क्या है क्यू एफ आई तो क्यू एफ आई एक एफ पी आई की कैटेगरी है और वो इंक्लूड क्या करते हैं वो इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल कोई भी एसोसिएशन कोई भी रेसिडेंट इन ए कंट्री जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े रहते हैं अब ये जो क्यू एफ आई स्कीम है ये 2011 में सरकार लेकर आई थी और इसका मकसद क्या था कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो भारत मतलब भारत में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन का निवेश हो और वो फॉरेन फंड्स जो होगा उससे हम अपना डेवलपमेंट करेंगे तो 2011 में क्यू एफ आई को हम लोगों ने लेकर आए थे क्यू एफ आई की खासियत क्या है सो दे आर अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये तो ओपनिंग ऑफ डीमेंट अकाउंट हमारे यहां पर क्यू एफ आई कर सकते हैं किसी भी सेवी अप्रूव्ड क्यू डी पी में यहां पर आपके लिए पहले ऑप्शन में क्या है कि दे आर नॉट अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन टी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो ये हो गया गलत दे कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड में भी वो निवेश कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल कमर्शियल बिल इन सब में वो क्या कर सकते हैं इशू कर सकते हैं अपना काम ठीक है तो ये सब चीजें आपको याद रखना है तो पहला ऑप्शन यहां पर क्या हो गया गलत मतलब क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन जी सेक एंड ट्रेजरी बिल ओके तो ये हो गया आपका गलत दूसरा टोटल शेयर होल्डिंग जो है क्यू एफ आई की वो पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये बात बिल्कुल सही है ठीक है अब इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, वो थोड़ा सा जान लो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट के नाम पर इशू होती हैं और ये जो हैं वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती हैं दिस सिक्योरिटीज़ आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट इसको इशू करता है रिस्क फ्री तरीके से आपको इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट जो जी सेक होते हैं वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जी सेक इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और जी सेक जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इशू किया जाता है इसमें एक्नॉलेज करते हैं हम ऑब्लिगेशंस के लिए और ये जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं मगर टी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म होती हैं क्लियर तो यहां पर जो आंसर निकलकर आएगा वो आंसर होगा आपका टू ओनली ओके व्हाट विल बी द आंसर टू ओनली विल बी द आंसर हियर गेटिंग दिस पॉइंट एवरी वन बताओ बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी चलो अब अगला क्वेश्चन आता है वो भी हमारे इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंप्लीकेशन क्या होते हैं economic recovery के शेवड इकोनॉमिक रिकवरी के इकोनॉमिक रिकवरी मतलब कोरोना के टाइम पे हम सभी को पता है कि क्या हुआ था पूरी देश की पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी हमारी जी डी पी माइनस तेईस पॉइंट चार परसेंट तक गिर गई थी अब इस जी डी पी को दोबारा उठाना है तो जी डी पी जब उठती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है तो इसको हम बोलते हैं के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी तो के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी ऐसा जो अपने इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका ये कहना है कि हमारा देश जो रिकवर कर रहा है वो के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के टर्म्स में रिकवर कर रहा है इसी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है कि इट कुड लीड टू ड्रास्टिक इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट इट कुड रिजल्ट इन रिकरिंग ड्रैग ऑन डिमांड इट कुड रिड्यूस द इकोनॉमिक इन इन द इकोनॉमी मतलब जो हमारे इकोनॉमिक इन हैं उसको कम करेगा देखो ये कम तो कर नहीं सकता ठीक है दूसरा ड्रास्टिक इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट इससे कुछ तूफान भी नहीं मचने वाला ऑप्शन बचता है इसमें बी कि इट कुड रिजल्ट इन रिकरिंग ड्रैग ऑन डिमांड मतलब जो डिमांड है उसके रिकरिंग ड्रैग पर यह काम करेगा और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द यहां पर जो आंसर है वो है आंसर आपका बी यस वेरी गुड अल्पना आंसर इज बी इट कुड रिजल्ट इन रिकरिंग ड्रैग ऑन डिमांड अब ये के केवड इकोनॉमी होती क्या है तो वो हमें थोड़ा सा समझना है के शेवड रिकवरी आफ्टर ए नेशन सफर ए रिसेशन मतलब जब नेशन में रिसेशन होता है जैसे हमारे देश में हुआ तो उसके बाद जब रिकवरी होती है तो वो के केवड तरीके से होती है इस रिकवरी में एक सेगमेंट जो है इकोनॉमी का वो क्या करता है बहुत आगे बढ़ने लगता है मतलब क्लाइम करता है ठीक है और वो क्लाइम करने के बाद दूसरा सेगमेंट जो होता है वो क्या करेगा वो अपना नीचे गिरने लगता है सो के शिव्ड रिक्रॉबी टॉक्स अबाउट ट्रेवलिंग डाइवर्जन इकोनॉमिक फ्यूचर जहां पर इकोनॉमी रिबाउंड होती है अन तरीके से जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हाउस होल्ड एट द बॉटम वो एक्सपीरियंस करते हैं वहां पर लॉस ऑफ इनकम क्योंकि उनकी जॉब चली जाती है और उनके वेज कट होते हैं सो so, यहां पर रिकरिंग ड्रैग ऑन डिमांड होगा रिकरिंग ड्रैग ऑन डिमांड मतलब डिमांड कम हो जाएगी लेबर मार्केट में और वो इतने जल्दी फास्ट रिकवरी नहीं होगी तो के रिकवरी में क्या होगा कि मार्केट तो बढ़ रहा होगा मगर लोगों की नौकरी नहीं होगी तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो इसमें क्या है आपका आंसर कि इट कुड रिजल्ट इन रिकरिंग ड्रंगा ड्रैग ऑन डिमांड फिर इसमें क्या है कि टू द एक्सटेंट दैट कोविड हैज ए इफेक्टिव इनकम ट्रांसफर फ्रॉम पुअर टू रिच हमने देखा कि कोविड ने क्या किया इफेक्टिव इनकम ट्रांसफर किया पुअर से रिच क्योंकि गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया तो इससे डिमांड इंपीडिंग हो गया एंड पुअर जो है हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी के कारण यहां पर हायर प्रोपोर्शन हो गया इनकम में सो so अगर कोविड 19 रिड्यूस करता है कंपटीशन और इंक्रीज करता है इन इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी तो इस तरीके से क्या होगा प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है सो so के शेवड इकोनॉमिक रिकवरी में इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है यस वेरी गुड हिमांशी कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी जो है 2020 में शुरू हुआ था मतलब पॉपुलर हुआ था जिसमें तब ये देखा गया कि कंपनीज डूब गई हैं और उनका दिवालिया हो चुका है इंसॉलमेंट हो चुकी हैं कंपनीज ठीक है चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पीयर टू पीयर लेंडिंग अब ये पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है लेंडिंग मतलब होता है उधार देना ठीक है लैंड करना इज उधार देना डेट मतलब क्या होता है कर्ज होता है ठीक है डेट मतलब होता है जो कर्ज जैसे हमने अगर किसी चीज़ का कर्ज ले लिया लाइबिलिटीज क्या हो गया कि हमारे लिए एक तरीके का बोझ हो गया हमारे ऊपर तो लाइबिलिटीज मतलब जिसको हमें बाद में चुकाना रहता है तो लाइबिलिटी बोझ होते हैं हमारे शरीर मतलब हमारे लिए कोई भी चीज़ हमने लिया जैसे कार एक लाइबिलिटी हो जाएगी सो लैंडिंग करना तो पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है दैट यू हैव टू आंसर हियर पहला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग अवेलेबल या इनेबल इंडिविजुअल टू रेस अनसेर्ड लोन डायरेक्टली फ्रॉम अदर इंडिविजुअल मतलब ये एक अनसेड लोन को अलाउ करता है रेस करने के लिए मार्केट में दूसरा क्या है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म ये भारत में हम अलाउ नहीं करते तो इसमें ऑप्शन क्या है तो ऑप्शन है आपके पास दो और इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कोई आंसर देना चाहेगा इसका चलिए इसका आंसर दीजिए जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे रन विजय ने आंसर दिया है ए गरिमा ने भी आंसर दिया है ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके चलिए वेरी गुड सो पीयर टू पीयर लैंडिंग का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि ये एक अनसेक्योर्ड लोन होते हैं जो कि मार्केट में उतारे जाते हैं जिससे कि हम क्या करेंगे कि जब गारंटी नहीं होगा देने का तो उसमें अपना इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन ये ज़्यादा रहते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग जो है भारत में अलाउ किया गया है तो इसलिए पीयर टू पीयर लैंडिंग हमें पढ़ना ज़रूरी है सो तो ये जो लैंडिंग है वो इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो लोन ले सकते हैं अदर इंडिविजुअल से और ये इनेबल करते हैं हमारे एन को मतलब ये जो आर है उसने दो में इसको अलाउ किया था पीयर टू पीयर लैंडिंग एन में हम यहां पे लोन ले सकते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग के थ्रू सो एज पर द नोटिफिकेशन पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसका मतलब है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑफ लोन फैसिलिटेशन वाया ऑनलाइन मीडियम और अदरवाइज टू द पार्टिसिपेंट्स हु एंटर इन टू द अरेंजमेंट्स विद दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म टू लैंड ऑन इट और अवेल द लोन फैसिलिटीज जो कि उनके लिए प्रोवाइड होती हैं ठीक है तो पीयर टू पीयर लैंडिंग ये कहलाती है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका वन ओनली इट इज अनसेक्योर्ड लोन बिल्कुल सही बात है और ये भारत में अलाउ है ठीक है चलो अब आएगा अपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये थोड़ा सा टाइम लेगा मगर बढ़िया तरीके से आपको ये समझना है ठीक है क्वेश्चन है एयर मास के ऊपर ठीक है एयर मास मतलब हवा का गोला ठीक है तो एयर मास होता है हवा का गोला क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर मास मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फेवरेबल नहीं है अनफेवरेबल है डेवलपमेंट ऑफ एयर मास अब इसमें आपसे पहले ऑप्शन में आता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वेरिएशन होना लार्ज सरफेस एरिया पे तब हमारे यहाँ क्या एयर मास नहीं बनेगा दूसरा ऑप्शन है कि बहुत कम लो विंड होना एयर का जिसमें वो स्टेशनरी हो जाए बिल्कुल हवा तब एयर मास नहीं बनेगा तीसरा ऑप्शन है कि हाई कांस्टेंट प्रेशर या फिर हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाए सोर्स ओरिजिन मतलब जहां पर वो ओरिजिन कर रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो देखिए इसमें ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं आपके गलत आपका आंसर है यहां पर वन ओनली मतलब टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का लार्ज सर्फेस एरिया में वेरिएशन होने के कारण ये एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी एयर मास के ना बनने की ठीक है अब ये एयर मास है क्या तो देखिए एयर मास होता है एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर बहुत बड़ा एयर का गोला जो कि मोस्टली यूनिफॉर्म होता है मतलब वो जब बनता है ना तो उसमें टेम्परेचर एंड मॉइस्चर यूनिफॉर्म रहता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक समान रहता है और ये जो एयर मास बनता है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक जाता है सरफेस के और वो हवा में मतलब ऊंचाई में स्टेटोस्फियर तक पहुंच जाता है क्लियर तो एयर मास फॉर्म करता है ओवर लार्ज सरफेस एरिया जिसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रहता है और उसको हम बोलते हैं सोर्स ओरिजिन इसमें क्या है कि इसमें लो विंड स्पीड लेट एयर रिमेन स्टेशनरी मतलब कम हवा जब चलती है तो वो स्टेशनरी रह जाएगा और जब स्टेशनरी रहेगा तो उससे एयर मास बन सकता है एयर मास जो है वो चार प्रकार के होते हैं ठीक है एयर मास चार प्रकार के होते हैं उसको आर्टिक एयर मास ट्रॉपिकल एयर मास पोलर एयर मास एंड इक्वेटोरियल एयर मास बोलते हैं हमारे वाले जो एरिया रहता है ना भारत वाला एरिया नमस्ते उपेंद्र हमारा वाला जो एरिया है भारत वाला वो होता है ट्रॉपिकल एयर मास ठीक है ट्रॉपिकल एयर मास जो है वो हमारे एरिया में रहता है एंड एयर मास आर आल्सो आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन वेदर वेदर दे फॉर्म ऑन लैंड और वाटर जहां वो बनता है उस हिसाब से हम एयर मास को क्या करते हैं फॉर्म करते हैं एयर मास कैन डेवलप ओवर नदन कैनेडा तो जब कैनेडा में होता है तो उसको पोलर एयर मास बोलते हैं और वो कोल्ड और ड्राई रहेगा एक बात याद रखिएगा जितनी ज़्यादा ठंड उतनी ड्राईनेस और उतनी ठंड रहती है और जितनी ज्यादा गर्मी उतनी वहां पर वार्मनेस रहेगा और ट्रॉपिकल एयर मास में यही हाल होता है ठीक है सो वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ओवर लार्ज सरफेस एरिया विल नॉट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ एयर मास ठीक है तो मतलब वो अनफेवरेबल सिचुएशन बन जाती है एयर मास के लिए गेटिंग दिस पॉइंट एवरी जल्दी से बताइए सभी को समझ में आ गया ये ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर आएंगे वो है 58 क्वेश्चन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीन एल एल्लाई प्रोमलगेटेड बाय अकबर तो अकबर ने जो दीन अल्लाई लेकर आए थे कॉन्सेप्ट उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है पहला ऑप्शन इसमें है कि यह एक कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थी ना ही यहां पर किसी तरीके का रिचुअल होता था एक्सेप्ट द इनिशिएशन दूसरा ऑप्शन है यहां पर कि इट बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तो ये किस पे बिलीव करते हैं दे बिलीव इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तीसरा ऑप्शन है कि ओनली दोस्त अप्रूव्ड बाय द एम्पर वे आर अलाउड टू ज्वाइन एज ए मेंबर मतलब जिसने राजा ने जिसको अलाउ किया वही मेंबर बनेगा दीन एल इलाही का ये जो दिल इलाही है ना मेरी तरफ से नेट इश्यू नहीं होगा हिमांशी आज तो बिल्कुल जगह जगह नेट चल रहा है सो देयर वॉज नो प्लेस ऑफ बर्शिप एंड नो रिचुअल एक्सेप्ट द इनिशिएशन ये सेट बिल्कुल सही है इसमें लिखा है कि रिलीजियस स्प्रिचुअल जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनकी सुप्रीमेसी पर ये बिलीव करते थे एक्चुअली में ये गलत है फिर दोस्त अप्रूव्ड बाय एम्पर वे आर अलाउड टू ज्वाइन एज ए मेंबर तो जिन्होंने बोला वो कर सकते हैं इसका आंसर जो है वो आंसर है आपका नो आंसर इज यस वेरी गुड साक्षी आंसर इज सी वन एंड थ्री इसका आंसर रहेगा अब देखिए दीन लल्लाई क्या है तो एक नया धर्म था जो कि अकबर ने शुरू किया अब लिटिल एविडेंस शो करते हैं कि अकबर इसको आगे बढ़ाना चाहते थे दए धर्म को अबुल फजल एंड बदायूं ठीक है अबुल फजल एंड बदायूं इन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया था वो है तोहिद्लाही और इसका मतलब क्या हुआ डिवाइन मोनोथिज्म और ये जो दिन है दिन मतलब होता है भरोसा और ये अप्लाई नहीं होता है अस्सी साल के बाद तो तौहद लही लिटरली मतलब हुआ है, एक सोफिस्टिक टाइप सो तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते थे तो वो ज्वाइन कैसे करेंगे तो वो एम्परर के अप्रूवल के साथ वो ज्वाइन करते थे अब इसमें संडे को मतलब हर रविवार को एक दिन फिक्स किया गया था जिसमें ये मीटिंग जो, जो अकबर थे, थे? थे।, मतलब थे, थे जिसका नाम है शस्त, शस्त क्या है सूफी लैंग्वेज में एक कान में कुछ बोलते थे so, ceremony, कोई भी रिचुअल यहां पर नहीं था शस्त क्या है तो इनिशिएशन सेरेमनी ये मानी जाती है क्लियर तो इनिशियट्स वे आर ऑप्टेन फ्रॉम मीट एज वेल एज फार एज पॉसिबल एंड गिव्स मतलब यहाँ पर जो इनिशियट्स हैं उसमें क्या होता था तो वे आर टू एब्सटेंट फ्रॉम मीट मीट नहीं होता था एज फार एज पॉसिबल जब तक हो सकेगा और अल, अल्म देते थे अल्म मतलब तालीम देते थे अकबर के केवल एक ही नौ रत्में से आदमी थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था जिनका नाम था बीरबल ठीक है तो बीरबल ज्वाइन दिस दीन एन अल्लाह एंड वर्चुअली जब अकबर मर गए थे मतलब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बाद जहाँगीर आए थे तो जहांगीर ने एनरोल किए थे मुरीद और उनके लिए ये जो शस्त्र है वो कंटिन्यू रहा था ये आपके लिए यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जहांगीर के टाइम पर भी शस्त्र और मुरीद ये दोनों चीजें कायम रही मेरा नहीं बफरिंग हो रहा है नो no. लाई एंड इन टू ठीक है तो ये भी हमने देख लिया हाँ ओके ओके ठीक है अब आता है हमारा फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये क्वेश्चन है आपके एनवायरमेंट से ठीक है तो ये क्वेश्चन कहां से आएगा एनवायरमेंट से क्वेश्चन आएगा तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ है ईस्ट एशिया की ठीक है इस स्पीशीज़ में मेल जो होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल रहते हैं फीमेल से और इसमें तीसरा स्टेटमेंट है कि ये बहुत कम भारत में पाए जाते हैं एंड इट डज़ नॉट फॉल इन द यूजुअल माइग्रेटरी रूट ऑफ द स्पीशीज मतलब ये जो स्पीशीज आ रही है घूमते घामते जो पक्षी है वो भारत में बहुत कम घूमने आता है क्योंकि हमें पता है कि रशिया से लेके भारत तक और उससे भी आगे अफ्रीका तक इस तरीके से पूरा एक चक्कर लगाते हैं कई सारे पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन को देखोगे ना तो आप वो रशिया वहीं वहीं कहाँ कहाँ घूम के आता है भारत में आएगा वो फैज करेगा अपने एग्स देगा और उसके बाद वो वापस चला जाएगा तो इसी तरीके से इसमें ये साइबेरियन क्रेन इसका आंसर नहीं है इसका आंसर है मैंडरिन डक तो मैंडरिन डक क्या है तो एक तरीके की बदक है ठीक है ये देखिए कितनी सुंदर है इसमें ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है मेल ज़्यादा कलरफुल है ठीक है मेल ज़्यादा क्या है मेल ज़्यादा कलरफुल है मैंडरिन ए इज़ नॉट द आंसर सी इज़ द आंसर ओके सी द ब्यूटीफुल मेल अधिकतर फीमेल ब्यूटीफुल होते हैं ना तो यहाँ पर देखोगे तो मेल ब्यूटीफुल सो माइग्रेटरी स्पीशीज है जो कि नेटिव है ईस्ट एशिया की कहाँ से है ये तो ये ईस्ट एशिया से माइग्रेट uh, करते हैं सो कंसिडरिंग द ब्यूटिफुल डक इन द वर्ल्ड मेंड्रिन डक मेंटरिन क्या है तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा वो है मेंटरेन मेंड्रेन कौन सी भाषा है तो चाइनीज भाषा है मेंडरेन वॉज रिसेंटली अपोजिट है ना तो यहाँ पर क्या है मंगोरी ये सब इनका नाम था और ये आसाम में मिली है तो ये जो बर्ड है ना ये मेंड्रिन डक ये कहाँ पर पाई गई है अभी आसाम में इसको हमने विटनेस किया है 2013 में ये लोकटक लेक जो कि मणिपुर में यहाँ पर देखी गई थी एंड दिब्रू रिवर दिब्रू रिवर कहाँ है ये तो ये आपके अरुणाचल और आसाम वाले एरिया में है फिर इसमें आपको याद रखना है मगोरी मोटापुंग वेटलैंड तो ये क्या है मगोरी मोटापुंग वेटलैंड ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये आता है आपके दिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क के यहाँ और दिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है तो आसाम के ऊपर वाले एरिया में दिब्रू साइकोबर नेशनल पार्क है उसके यहाँ पर एक बेटलैंड है जिसका नाम है मगोरी मोटापुंग बेटलैंड ठीक है तो मगोरी मोटापुंग बेटलैंड भी आपको यहां पर याद रखना है क्लियर है बात मानस नेशनल पार्क भी आपको पता होगा ये भी आसाम में है ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं तो इसमें इस तरीके से ही तो क्वेश्चन निकलते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको अलग और किसी और डायरेक्शन में पूछेंगे ठीक है नाउ दिस इज माई पेज स्पेशल क्लास पेज ऑन अन एकेडमी आप यहाँ से मेरा नाम सर्च करेंगे आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो यहाँ पर फॉलो बटन आएगा यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं ये अभी तक के मेरे हाईलाइट्स हैं अनकेडमी की जो स्पेशल क्लासेज है वो आपकी डेली रात को नौ बजे रहती है टीजे एल आई भी मेरा कोड है और स्पेशल क्लासेज के फीचर्स क्या हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेंगे रेज ए हैंड का ऑप्शन है पोल्स का ऑप्शन है और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का भी आपके पास ऑप्शन रहता है अपकमिंग क्लासेस भी मिलती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं रेज ए हैंड का ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर जो भी प्लस प्लान खरीदता है सब्सक्राइबर होगा तो आपके अगर कोई डाउट सॉल्व नहीं हो रहा तो बीस क्लास में आप अनएकेडमी के ऐप पर रेज ए हैंड कर सकते हैं और अपने वॉइस में अपना डाउट पूछ सकते हैं ठीक है आंसर दिस क्वेश्चन एवरी देखो अब ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये एक एक क्वेश्चन है ये ये ही क्वेश्चन से आपके दस क्वेश्चन बन सकते हैं अब फसाई क्या है तो फसाई जो है वो एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसने यहाँ पर ट्रांसफेटी एसिड जो कि हमारे ऑयल और फैट्स में मिलते हैं हमें पता है ना कि हमारे भारत देश में अभी देखा आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई है ना सिद्धार्थ शुक्ला कौन है तो वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे एक्टर भी रह चुके थे तो इसमें पूछा गया है कि ट्रांस फैटी एसिड जो कि ऑयल और फैट्स में मिलते हैं तो उनकी लिमिट सेट की गई है ट्रांस फैटी एसिड्स क्या हैं तो ये एक तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं एक होते हैं गुड फैटी एसिड और एक होते हैं बैड फैटी एसिड है ना तो जो गुड फैटी एसिड्स होते हैं वो गुड फॉर द हेल्थ होते हैं और बैड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ऑयल और फैट्स में मिलते हैं इस चीज़ को लेकर फसई ने क्या है एक अपना वी कैन कैंसिक रूल निकाले हैं उसमें से पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि फसई हैज कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड ऑयल एंड फैट 10 परसेंट फॉर दो हज़ार तो एक्चुअली में ये 10 परसेंट नहीं है ये है 2 परसेंट फॉर 2022 ये 2021 में 3 परसेंट था ठीक है डब्ल्यू एच ओ ने रिकमेंड किया है कि टोटल ट्रांसफैटी एसिड जो कि एक आदमी को इंटेक करना है एक दिन के अंदर वो लेस देन पांच परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक नहीं होना चाहिए वो है लेस देन वन परसेंट ठीक है इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा गलत होगा तो आंसर यहां से निकल कर आएगा वो होगा नाइदर वन नॉर टू ठीक है रोहन आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू हाँ करंट बिल्कुल सही थ्री परसेंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू परसेंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फसई ने ये आपकी गाइडलाइन निकाली हुई है वेरी गुड अल्पना आंसर विल बी डी ठीक है कुछ फैक्ट्स याद रख लो आप लोग देखो एक होता है ट्रांस फैटी एसिड एक होता है नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स मतलब जो नेचर में पाया जाता है एक होते हैं इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फैटी एसिड्स ठीक है acids, तो देखो जब ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं तो ये एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये क्लासीफाई होते हैं नेचुरली ऑकरिंग और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड नेचुरली ऑकरिंग ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं इसको हम आर भी बोलते हैं जिसको गट बैक्टीरिया ऑफ रूमिनेंट एनिमल से बनाया जाता है और ये पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट इन फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस एनिमल्स मतलब एनिमल के आ, किसी एरिया से निकाल कर इसको बनाते हैं इंडस्ट्रियल फैटी एसिड्स क्या है तो दे आर फॉर्म्ड जब फैट एंड ऑयल उसको हम मॉडिफाई करेंगे बाय द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस टेक्निक और आर्टिफिशियल टी जो है वो फॉर्म होता है जब हाइड्रोजन का हम रिएक्ट करवाते हैं ऑयल के साथ और वो प्रोड्यूस करता है फैट ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन क्या करता है ऑयल के साथ रिएक्ट करता है और वो फैट को क्या करेगा बनाएगा सो so, प्रोसेस इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजेनाइजेशन इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोजनाइजेशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑयल हार्डन हो जाता है और इम्प्रूव करते हैं कमर्शियल अपील इससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत टेक्सचर अच्छा मिल जाएगा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी टॉलरेंस भी बढ़ जाएगा मगर नुकसान क्या होगा हमारे शरीर का नुकसान होता है तो देखो तीन परसेंट दो परसेंट पाँच परसेंट नहीं है ठीक है फिर इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि लेस देन वन परसेंट ऑफ एनर्जी इनटेक तो ये आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक चीज़ और ये देखना ईट राइट मूवमेंट दो में लॉन्च किया था जिसमें ईट हेल्थी ईट सेफ करके ये मूवमेंट था जिसमें सॉल्ट शुगर एंड ऑयल का कंजम्पन तीस तक अगले तीन साल में हमें कम करवाना था ठीक है तो सिद्धार्थ शुक्ला जी की डेथ जो हुई है अभी हार्ट अटैक की वजह से तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ही वॉज़ फोर्टी ईयर ओल्ड ही हैज़ एप्स आप देखोगे ना उनकी बॉडी तो उनकी फिजिक इतनी अच्छी थी स्टिल उनको हार्ट अटैक आया फिजिक मतलब वर्कआउट वो प्रॉपर करते थे ऑल्दो ही वॉज अडिक्टेड टू सिगरेट दैट वॉज डिफरेंट थिंग मगर ये सारी चीज़ों में भी आपको तो क्या लग मतलब देखिएगा कि इतना हेल्दी इंसान जो दिखता है वो अंदर से कुछ और होता है है ना यस यस वेरी गुड वेरी गुड अल्पना सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विथ रेफरेंस टू द आयरन पॉलिसी आयरन ओर पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो हमारे देश में एक आयरन ओर पॉलिसी निकल कर आई उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड टोटल लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द स्टील इंडस्ट्री टू मीट द कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस मतलब आयरन ओर पॉलिसी जो है वो एक पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे स्टील इंडस्ट्री के लिए पहले ऑप्शन में यस वेरी गुड अल्पना बिल्कुल सही कहा आपने कि ड्यू टू दिस स्ट्रेस आज हम क्या करते हैं कि हम सुबह शाम हमारा टाइम पता नहीं रहता रात को सुबह बना दिया सुबह को शाम बना दिया इस तरीके से हमारी जो हेल्दी लाइफ है ना वो पूरी बिगड़ गई और हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं एक्सरसाइज और कोई भी वर्कआउट इवन आई स्टार्टेड रनिंग माई स्टोरी इज़ तो ए मंथ बैक आई स्टार्टेड रनिंग जॉगिंग एवरी थिंग बट फ्रॉम द लास्ट टू डेज थ्री डेज आई एम नॉट एबल टू तो वो अभी क्या होने लगा वो शरीर में एक चीज़ दिखने लगती है तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि भले ही आप लोग छोटे होंगे तो मैं भी कोई बड़ा नहीं हूं बुढ़ा नहीं हूं तो आप लोगों को भी यह काम करना है अभी से क्योंकि इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव सर्वाइव करना बहुत जरूरी है चलिए पॉलिसी का एम क्या है तो पॉलिसी का एम जो है वो है टोटल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टील इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सही बात है एज पर द न्यू पॉलिसी हायर प्रायोरिटी दिया जाएगा टू द मूवमेंट ऑफ आयरन और ट्रैफिक फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब एक्सपोर्ट uh, नहीं करेंगे इंपोर्ट जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेंगे एंड न्यू आयरन और पॉलिसी 2021 हज़ार इशू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो ये किसने इशू की है आयरन और पॉलिसी तो देखिए इसमें जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो सही है फर्स्ट ऑप्शन भी सही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आयरन और पॉलिसी निकाली है ये मिनिस्ट्री सही बताई गई है ठीक है और मिनिस्ट्री है तो याद रख लेना इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आयरन और पॉलिसी को निकाला हुआ था यस yes. मंदिर ही हमारा शरीर है बिल्कुल सही बातें अच्छी कर लेती हैं आप आयरन और इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक ऑफ रेलवे एंड अलोंग विद स्टील अकाउंट फॉर नियरली सेवेंटीन परसेंट है ना तो रेलवे में ये क्या है सत्रह परसेंट का पूरा इनका काम वाम चलता है ठीक है सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विथ रेफरेंस टू एडिबल ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो वो क्या था वो ट्रांस फैटी एसिड के ऊपर क्वेश्चन था ये एडिबल ऑयल के ऊपर क्वेश्चन है ठीक है ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल द शेयर ऑफ मस्टर्ड ऑयल कॉन्स्टिट्यूट मोर देन फिफ्टी परसेंट मतलब पचास परसेंट से ज़्यादा हम इशू करते हैं मस्टर्ड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं पहला स्टेटमेंट दूसरा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल हैज़ बीन कंप्लीटली बैंड टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल इन द कंट्री मतलब हमने पूरे तरीके से एडिबल ऑयल को बैन कर दिया एक्सपोर्ट करने से ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं ये बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं ऑयल सीड्स देखो हमें पता है कि जो हमारे ऑयल हैं मतलब ये जो एडिबल ऑयल एडिबल ऑयल क्या हो गया जो खाने वाला तेल होता है ना उसको हम एडिबल ऑयल बोलते हैं सो so ये जो खाने वाला तेल है इसका आंसर है डी सिक्सटी टू का जो आंसर है वो आंसर आता है आपका डी इसमें बोला क्या गया है कि एडिबल ऑयल जो हैं वो होते हैं ऑयल सीड्स क्रॉप्स ठीक है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नेक्स्ट ओनली टू सीरियल विद इन द सेगमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स द सेल्फ सफिशियंसी इन ऑयल सीड्स अटेन द येल्लो रेवोल्यूशन ड्यूरिंग अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज कुड नॉट बी सस्टेन बियॉन्ड ए शॉर्ट पीरियड तो ये क्या है येल्लो रेवोल्यूशन हम लेकर आए थे ऑयल सीड्स के लिए कंट्री रिलाई करता है इम्पोर्ट पे, जिससे कि हमारा जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई का वो पूरा हो जाए एंड इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल इज अंडर ओपन जनरल लाइसेंस ठीक है इसमें क्या है कि इंडिया हेविली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट टू मीट द एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड मतलब हमारे यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं इस ऑयल को और हमारे मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होता है पाम ऑयल इम्पोर्ट होता है और आपको देखना होगा कि पाम ऑयल तो और बेकार ऑयल होता है 60% परसेंट फॉलोड बाय सोयाबीन सोयाबीन 25% परसेंट इम्पोर्ट करते हैं और मस्टर्ड जो है सनफ्लावर ऑयल वो है अपना 12% सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाला तेल है वो है आपका पाम ऑयल ठीक है और पाम ऑयल की सब्जी इतनी बेकार लगती है ना कि गुजरात तरफ लोग काफी यूज करते हैं रेस्टोरेंट्स में ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सी ग्रास आर ऑफन कॉल्ड फाउंडेशन प्लांट स्पीशीज और इको सिस्टम इंजीनियर बिकॉज दे मॉडिफाई देयर एनवायरमेंट टू क्रिएट यूनिक हैबिटेट इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कंसीडर करना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी ग्रास देखो सी ग्रास क्या है तो सी ग्रास हमारे समुद्र में पाया जाने वाला एक पेड़ है ठीक है और सी ग्रास ऑफन क्या है एक फाउंडेशन प्लांट स्पीशीज़ है इसको फाउंडेशन प्लांट स्पीशीज के नाम से जानते हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम में इंजीनियरिंग का काम करता है ठीक करने का काम करता है और ये मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि सी ग्रास आर ए टाइप ऑफ सी वीट दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर ग्रोथ द लार्जेस्ट सी ग्रास बेंट जो हमारे देश में वो है गल्फ ऑफ खम्बत में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ग्रास आर ए टाइप ऑफ सी वीट दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर ग्रोथ द लार्जेस्ट सी ग्रास बैड इन द कंट्री इज गल्फ ऑफ खम्ब नो गरिमा आंसर इज नॉट वन टू थ्री आंसर इज डी कोई भी सही नहीं है इसमें नो नो सिक्सटी थ्री आंसर इज डी तो सी ग्रासेस क्या है तो इवन दो सी ग्रासेज एंड सी विड्स एक जैसे दिखते हैं बट दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सी ग्रासेज बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ प्लांट जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लिटिन जिसमें ग्रास लिलीज पाम्स इंक्लूड होते हैं और इनके जो रिलेटिव हैं वो हैं सी ग्रासेस के लीव्स रूट्स एंड बीन्स होते हैं इसमें और ये फ्लावर और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और जहाँ पर फ्लावर होगा और सीड्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा सनलाइट की जरूरत होगी सो सी बीट में क्या होता है तो सी बीट अलग ही होते हैं सी बीट और सी ग्रास में अंतर क्या है सी बीट अलग ही तरीके से होता है कई जिसको हम बोलते हैं और सी ग्रास में फूल पत्ती सब होती है तो दे हैव नो फ्लावर मतलब सी बीट जो होती है उसमें कोई फ्लावर नहीं होता वेन नहीं होता and दे आर होल्ड फैक्स सिंपली अटैच टू द बॉटम एंड आर आर जनरली नॉट एम्फिस टू टेक इन ठीक है मतलब स्पेशलाइज नहीं होते हैं टू टेक इन न्यूट्रिय इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा सी ग्रासेस कहाँ मिलती हैं तो सी ग्रासेस ग्रो करती हैं सॉल्टी एंड ब्रैकेज वाटर इन द वर्ल्ड एंड टिपिकली अलॉन्ग जेंटली स्लोपिंग प्रोटेक्टेड कोस्ट लाइन और ये जो है हमारे यहाँ पर शेलो डेप्थ में होती हैं जहाँ पर लाइट्स हाई होती हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सब कुछ लाइट्स पर इनका डिपेंड करता है ठीक है और इको में ये बेनिफिट करती हैं और ये सी ग्रासेस जो हैं ये सारी चीजों को हमें फायदा करती हैं। गेटिंग दिस पॉइंट एवरी वन दे आर ऑल्सो नॉन एज ब्लू कार्बन चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। दे आर नोन एज सेकेंड ब्लू कार्बन देखिए भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में जो चलाया गया था उसको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द भक्ति कल्ट इन महाराष्ट्र सेंटर्ड अराउंड द श्राइन ऑफ विथोबा और विट्ठल द प्रेसिडेंसी डिटी ऑफ पंडरपुर देयर कंपोजिशन आर कॉल्ड अभंगास तुकार कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी एंड वॉज पार्ट ऑफ वर्करी डिवोल्यूशनिज्म ट्रेडिशन देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और एक और चीज़ का अपडेट है कि तारकेश्वर जैन मेरा पी एस टेलीग्राम चैनल है इस पर आप लोग जुड़िए आप लोग यहाँ से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ से डाउट क्योरीज़ भी ले सकते हैं टीजे एल भी मेरा कोड है यहाँ पर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है अन अकेडमी के दो साल का जो फीस है वो आपको सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ में है जी एस प्लस ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज़ के इंक्लूडिंग सब कुछ आपको यहाँ पर अन अकेडमी भी प्रोवाइड कर रही है देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन इसका ज्यादातर आंसर होता है डी भक्ति कल्ट इन महाराष्ट्र सेंटर्ड अराउंड द श्राइन ऑफ विथोबा या फिर विठल प्रेसिडेंसी डीटी ऑफ पंडरपुर कंपोजिशन को बोलते हैं तुकाराम अभंगासकार से शिवाजी के और वो वर्करी डिवोशनलिज्म ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं ठीक है यस वेरी गुड आंसर इज डी ये क्या है भक्ति कल्ट इन महाराष्ट्र सेंटर अराउंड द श्राइन ऑफ विठोबा ठीक है पंडरपुर हु वॉज रिगार्डेड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा और ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं पंडरपुर मूवमेंट भी पंडरपुर मूवमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लिटरेचर मराठी जो आज इतना लिटरेचर फेमस हुआ है वो पंडारपुर मूवमेंट uh, के कारण हुआ है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ कास्ट एक्सक्लूसिवनेस हुआ है ये सारी चीज़ें थी और इसमें दो सेक्स में डिवाइड हुआ ब्रॉडली भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में पहला स्कूल ऑफ मिस्टेक्स था उसको हम बोलते हैं वरा और माइल्ड डिवोटीज ऑफ गॉड विठलपुर या फिर पंडरपुर एंड जो दूसरे थे वो थे धराकरी तो वराकरी और धराकरी दो पार्ट में जो धराकरी थे वो भगवान राम को मानते थे और वराकरी जो थे वो कृष्णा को मानते थे ठीक है तो इस तरीके से दो पार्ट में भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में डिवाइड हुआ क्लियर हो गया चलिए आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज फिर नौ बजे वाली क्लास रहेगी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड देर वर्ड जैसे कि नवतेज सिंह जौहर केस क्या इसमें हमने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिलाइज किया है फिर आता है अनुराधा भासीन केस जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट की बात हुई है पृथ्वीराज चौहान केस जिसमें हम एक्सपोज फैक्टो एन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करते हैं देखो आज यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है देखो नवतेज सिंह जोहर केस जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए था नवतेज सिंह जोहर जो केस है ये वाला केस ये आया था ट्रांसजेंडर को उनके राइट्स देने के लिए ठीक है तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका सही अनुराधा भसीन केस जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम की बात करता है इंटरनेट पर यह स्टेटमेंट भी सही है फिर आता है आपका पृथ्वीराज चौहान केस एक्सपोज फॉर टू एन्वायरमेंटल क्लियरेंस वो इसका आंसर नहीं है क्लियर ठीक है पंद्रह सितंबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं अन के प्लेटफॉर्म पर वन ईयर बैच टू ईयर बैच हिंदी इंग्लिश बायोलिंगल सभी तरीके से अन आपके लिए बैचेस शुरू कर रहा है टीजे एल आई आपका ये कोड है आप यहां से टेन परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं साथ ही साथ जब ये क्लास खत्म हो जाएगी आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी हैं कल भी आपकी शाम को क्लासेस रहेगी एज यूजल छः बजे और नौ बजे आपकी आज जैसी क्लास है नौ एक्चुअली नाइन थर्टी पर क्लास है ठीक है नाइन थर्टी पर है इट इज़ नॉट ऑन नाइन नाइन पी एम इट इज़ ऑन नाइन थर्टी पी एम रात को नौ साढ़े नौ बजे है ठीक है वहाँ पर भी हम फुल एन टेस्ट के विध फुल फोर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय किसी को कोई डाउट हो तो वो लोग मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पूछ सकते हैं ठीक है चलिए बाय